नमस्कार, मीडिया टुडे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति कौर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मीडिया टुडे समाचार। तो देखते हैं क्या है खास आज जिले में और प्रदेश में आपके लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना के लिए नीतिगत निर्णय लेते हुए निविदा प्रक्रिया, आधार मूल निविदा अर्हता के मापदंडों एवं अन्य शर्तों को अनुमोदित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम गान से प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रिपरिषद की बैठक के पूर्व कहा कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रत्येक सोमवार को विभागीय गतिविधियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यक रूप से समीक्षा करें। इससे विकास गतिविधियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। महगांव जनपद के ग्राम ढेबा के टिकरा टोला में ग्रामीणों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। यहाँ कोई जल स्रोत नहीं है, जिससे 1 किलोमीटर दूर से कुआं का पानी लाकर प्यास बुझा रहे हैं। यहाँ 300 परिवार पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन PHE और पंचायत के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। विश्व प्रसिद्ध महान चित्रकार सैयद हैदर रजा की पुण्यतिथि पर रजा फाउंडेशन द्वारा रजा स्मृति का आयोजन किया जा रहा है। रजा स्मृति का शुभारंभ 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार को सुबह 11 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती मरावी के मुख्य आतिथ्य और नगर पालिका परिषद मंडला की अध्यक्ष पूर्णिमा शुक्ला की अध्यक्षता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा और नगर पालिका परिषद मंडला के उपाध्यक्ष गिरीश चंदानी के विशिष्ट आतिथ्य में होना है। सूखे का संकट अब सब्जियों के बाजार को भी तेजी से प्रभावित कर रहा है। सब्जियों का उत्पादन तेजी से घट रहा है। स्थानीय मंडियों से आवक कम होने के कारण थोक बाजार बाहर की मंडियों पर तेजी से निर्भर हो रहा है। बाहर की मंडियों के भाव तेज हैं, इसका असर जिले की मंडियों में भी पड़ रहा है और सब्जियां महंगी बिक रही हैं। डीजल के दाम बढ़ने के कारण परिवहन महंगा हो गया है, इसका असर सब्जियों की कीमत पर पड़ रहा है और सब्जियां महंगी हो रही हैं। कलेक्टर हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिया कि CM हेल्पलाइन प्रकरणों का समय सीमा में सुनिश्चित निराकरण किया जाए। आवेदनों का लेवल 1 पर ही सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित करें। प्रकरणों पर की गई कार्यवाही से आवेदकों को भी अवगत कराएं। कलेक्टर ने अधिकारीवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित ना रखें। इसी प्रकार मुआवजा एवं राहत प्रकरणों पर संवेदनशीलता से कार्य करते हुए संबंधितों को समय पर नियमानुसार राहत दिलाएँ। भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता, तकनीकी आधारभूत संरचना एवं प्रबंधन के अंतर को कम करना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करना, मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचा की स्थापना तथा मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों की आय को बढ़ाना है। आयुक्त नगरी प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों में 15 अगस्त 2021 तक संकल्प से समृद्धि अभियान के अंतर्गत स्वनिधि से समृद्धि एवं मैं भी डिजिटल 2.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। स्वनिधि से समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, सागर, ग्वालियर, बुरहानपुर, गुना एवं छतरपुर शामिल हैं। योजना का उद्देश्य PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों व उनके परिवारजनों को भारत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि का लाभ पहुँचाना है। जिले में इस वर्ष 1 जून से 20 जुलाई के दौरान 300.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि तक गत वर्ष 392.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 92 मिलीमीटर कम वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को मंडला जिले के सभी तहसीलों में 0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीनाथ सिंह ने एडवाइजरी जारी की है कि
बरसात के दिनों में सर्पदंश के केस अत्यधिक सामने आते हैं। सांप के काटने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है तथा सांप के काटने को अनदेखा ना करें। सर्प के काटने पर किसी नज़दीकी अस्पताल में तुरंत लेकर जाएं। झाड़ फूंक में ना रहें। सांप के दांत के नीचे विष की थैली होती है जो सीधे खून के माध्यम से शरीर में फैल जाती है। सामान्यतः जहरीले सांपों के काटने पर दांतों के दो निशान अलग ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष परंपरागत जड़ी बूटी एवं वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद एवं अनुसंधान केंद्र मंडला मध्य प्रदेश के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भवन करंजिया में आयोजित कार्यक्रम में परंपरागत जड़ी बूटी एवं वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद एवं अनुसंधान केंद्र मंडला ने जरूरतमंदों वृद्धों को अनाज एवं किराना का सामान वितरण किया। खाने के लिए मिला है साधन भाई, हम गरीब आदमी है, कुछ नहीं है हमारे पास, तो लाभ मिला है अभी जी। मीडिया टुडे समाचार आपसे अपील करता है, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।